तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी ट्राइडर्स। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड बढ़िया ही रहना। सो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ न्यू दिखाने वाला हूँ वीडियो में। न्यू इन द सेंस, मतलब आज हमारी संडे राइड है। ये संडे राइड की वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सो आज नितेश भाई ला रखे अपनी एक्टिवा 125, जो कि है BS6 मॉडल, 2022 का मॉडल है। और मैं आपको स्कूटी का लुक चेक कराता हूँ कैसा है। सो इसकी मैं रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, रिव्यू वीडियो। तो आप स्कूटी का लुक चेक करो गाइस। ये है स्कूटी का ओवरलुक, 2022 मॉडल है, BS6 एक्टिवा 125। ये देखो गाइस। और अभी मैं इसमें आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह दे रखे हैं। सो सबसे पहले इसकी फ्रंट की बात की जाए तो इसकी जो बॉडी आती है गाइस, वो आती है मेटल की। आप देख सकते हैं ये मेटल बॉडी है इसकी। ये देखो, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और जो इसकी नोज़ आती है, ये आती है फाइबर की, प्लास्टिक बॉडी की, ठीक है। और ये जो वाइज़र है, ये भी आपको प्लास्टिक में ही मिलेगा। और इसके जो मिरर है, मिरर देख सकते हैं आप, थोड़े अलग शेप में है। ये देखो, बाकी जो नॉर्मल एक्टिव आती है, मेरी एक्टिव आपने देखी रखी, उसके थोड़े गोल टाइप के होते हैं, बट इसके थोड़े ट्राइंगल शेप में आप कह सकते हैं। बात करते हैं इसकी मीटर की, तो मीटर में इसका आपको डिजिटल मीटर छोटा सा दे रखा है, देख सकते हैं आप। इसमें मैं आपको चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे साइड स्टैंड की लाइट आ गई, साइड स्टैंड की लाइट है, साइड स्टैंड देखो लगा रखा है मैंने। और यहाँ पे स्पीड मीटर दे रखा है, कितने पे आप चला रहे हो वो पता चलेगा। और यहाँ पे टाइमिंग भी आ रही है, 8:45 अभी टाइम हो रहा है, ये देखो गाइस। और यहाँ पे अपने फ्यूल के इंडिकेटर आ रहे, कितने फ्यूल, मतलब कितना पेट्रोल अभी इसमें है। और अभी जो ये चल चुकी है 8,426 किलोमीटर टोटल चल चुकी है, और जो कि ये नई एक्टिवा 125 है। और यहाँ पे इसके डैशबोर्ड की बात की जाए तो गाइस, इसमें एक साइड पॉकेट भी दे रखी है, ये देख सकते हैं। इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ आपको इसका स्टोरेज कैसा है। यहाँ पे आप अपना कपड़ा वगैरह रख सकते हैं, इसमें आप कपड़ा वगैरह रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह। और इसके डैशबोर्ड पे आप आते हैं तो इसमें लाइट का स्विच दे रखा है, ये अपना लो बीम पर हो रखा है अभी, और ये हाई बीम। यहाँ पर नीचे करेंगे तो ये डीपर का है। और यहाँ पर इंडिकेटर का बटन दे रखा है, देखो मैं राइट साइड पे इंडिकेटर जला दिया, यहाँ पे आपको आइकन में दिख रहा होगा इंडिकेटर, ये देखो। और लेफ्ट साइड पे करूँगा तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चल रहा है, आइकन में दिख गया होगा। और ये है इसका हॉर्न, सिंपल हॉर्न है। और ये है इसका किल स्विच। सो गाइज, ये है इसका किल स्विच। यहाँ पर आप इसको अगर ऊपर करोगे तो ये बंद हो जाएगी आई थिंक, और नीचे करोगे तो चालू हो जाएगी। बाकी स्टार्ट करना हो तो मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे स्टार्ट होती है। सो गाइज, देख सकते हैं आप, अभी चाबी ऑन है और इसको मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो, बटन दबा के साइड स्टैंड पहले ऊपर करना पड़ेगा, देखो आइकन गायब हो गया। ब्रेक दबाई और ये स्टार्ट हो गई, ये देखो गाइस, ये स्टार्ट हो गई स्कूटी। और अब बात करते हैं इसकी इग्निशन की। साइड स्टैंड लगाओगे तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, ऑफ भी हो गई, मैंने साइड स्टैंड क्योंकि लगा दिया, आइकन भी आ गया। अब बात करते हैं इसकी इग्निशन की। इग्निशन में यहाँ पे ये ऑफ हो गई, ये इधर की साइड करेंगे राइट साइड तो ऑन हो जाएगी। बाकी यहाँ पे सीट खोलने के लिए दे रखा है, बूट स्पेस के लिए बटन दे रखा है, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सो गाइज, अब मैं आपको डिग्गी खोल के दिखाता हूँ इसकी। देखो इसका बूट स्पेस चेक करो आप, इसमें नितेश भाई ने अपने राइडिंग गियर्स रख रखे हैं। बाकी नॉर्मल हेलमेट इसमें आ जाता है, ज़्यादा बड़ा हेलमेट जैसे हम वेयर करते हैं वो वाला हेलमेट इसमें नहीं आ पाता। और इसमें बाकी फ्यूल, जो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन, ये पीछे बैक साइड पे। अभी मैं आपको ये भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, ये ऑप्शन सही है, पीछे आगे मतलब आपको पीछे नहीं आना पड़ेगा, डायरेक्ट आप चाबी से ही वहाँ से ही चाबी घुमा के ऑन कर सकते हैं। बाकी पीछे से इसका लुक, बैक लाइट में आपको ये नॉर्मल हेलोजन बल्ब दे रखा है, और इंडिकेटर में भी हेलोजन है इसके। बाकी यहाँ पर ब्रांडिंग दे रखी है एक्टिवा 125 की, और साइलेंसर जो नॉर्मल आता है एक्टिवा में वो है। बाकी एलॉय की बात की जाए तो मैं आपको एलॉय दिखाता हूँ इसके। बाकी नॉर्मल एक्टिवा में जो आता है वो आते हैं रिम, जैसे मेरी एक्टिवा में मैंने उसको ब्लैक कर रखा है स्प्रे से।
और इसमें तो आपको एलॉय देखने को मिल जाएंगे, ये देखो। और ब्रेकिंग सिस्टम जो है इसमें वो है, पावर ब्रेक नहीं है इसमें, डिस्क वाली ब्रेक है, ये देख सकते हैं गाइस आप। डिस्क ब्रेक में काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, एकदम से ब्रेक लग जाती है, ये देखो गाइस। सो उसका स्कूटी का ओवरलुक काफ़ी सही है। और इसमें पीछे मतलब पूरा मरघाट नहीं दे रखा, ये देख सकते हो पीछे ही बैक साइड में अलग मरघाट दे रखा है, मतलब पूरा ये फाइबर वाला नहीं दे रखा। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखे छोटे छोटे। स्कूटी का ओवरलुक ये चेक करो ना, सही लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपको किक मिल जाएगी और यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट मिल जाएगा। सो गाइस यही था इस वीडियो में, और अभी मैं आपको इसका राइडिंग रिव्यू भी दूंगा कि कैसा मज़ा आ रहा है चलाने। सो अब डायरेक्ट मिलेंगे आपको स्कूटी के मोटो व्लॉग सेटअप के साथ। गाइस आ चुके हैं हाईवे पे और अब घर जाने की तैयारी है। जो अगला व्लॉग जो आएगा वो आएगा संडे राइड का, जो 70 माइलस्टोन हम रखे हैं गए थे। और ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं वो नितेश भाई की स्कूटी, नितेश भाई चला रहे हैं अपनी रूत्रा और मैं इनकी स्कूटी है। टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, चलते हैं। वो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ मेन हाईवे पे, आप देख सकते हैं। और ये जो हाईवे है वो है GT करनाल रोड, मतलब मूर्थल वाला हाईवे। सो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं घर की तरफ और मैं नितेश भाई की स्कूटी राइड कर रहा हूँ। आपने पिछली क्लिप में देख लिया होगा, मैंने आपको सब कुछ रिव्यू वगैरह दे दिया स्कूटी का। सो गाइस ये स्कूटी जो है BS6 मॉडल है, 2022 का मॉडल, जो कि है एक्टिवा 125। और मैंने इसकी कॉस्ट के लिए पता किया था नितेश भाई से, जो उन्होंने बताया कि इसकी कॉस्ट उनको पड़ी थी 92,000, जो कि कैश में पड़ी थी। और अभी आप फिलहाल देख सकते हैं 60 की स्पीड में मैं राइड कर रहा हूँ। एंड ये देखो गाइज, वाह भाई, मतलब विदाउट हेलमेट बंदा इतनी तेज़ लेके जा रहा है स्कूटी, देख रहे हो आप, मतलब हद है यार। मेरी स्कूटी 60 की स्पीड में चल रही है और वो बंदा कम से कम 80-90 की स्पीड में होगा, वो भी विदाउट हेलमेट। सो गलत बात है यार, ये ऐसे बंदे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड अपनी मन मर्जी से जैसे मर्जी चलाते हैं, वो भी हाईवे पर। और आपको तो पता है गाइज मैं तो सेफली राइड करता हूँ, एंड सेफली आपको भी राइड करना चाहिए अगर आप भी हाईवे वगैरह पे टू व्हीलर से राइड करते हैं। सो गाइज अगर एक्टिवा की बात की जाए तो एक्टिवा बहुत ही अच्छी स्कूटी है, बट हाँ इसमें एक ये कमी है कि यार ये 80-90 से ऊपर नहीं पहुँच पाती। ये स्कूटी भी मैं थोड़ी खींच के देखूँगा इसकी टॉप स्पीड कितनी निकलेगी। सो इसमें खाली यार एक यही कमी लगती है मेरे को कि ये 80-90 से ज़्यादा क्रॉस हो ही नहीं पाती, इसकी टॉप स्पीड 90 तक ही लास्ट जाती है इसकी, देखते ही कितनी जाएगी लास्ट। और इस स्कूटी की खास बात यह है कि इससे आप ट्रैवलिंग भी अच्छी कर सकते हैं, मतलब अच्छी खासी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। एंड आगे देखो गाइज नितेश भाई अपनी स्कूटी राइड कर रहे हैं फुल फॉर्म में। सो गाइज आपको पता होगा नितेश भाई के पास है रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350। सो भाई ने भी मेरी तरह फुली लोडेड करवा रखी है, भाई को भी मॉडिफिकेशंस करवाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लोडेड बाइक पसंद है। एंड गाइज नितेश भाई के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो, राइड विद नितेश भाई के चैनल का नाम है यूट्यूब पे। एंड भाई के एक खुशी की बात है, भाई के भी 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो भाई को भी जाके सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट दिखाओ, लव फ्रॉम मोहित राइडर कमेंट करके आओ प्लीज़, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा। सो अब खींचने की बारी आई है, सो इसकी टॉप स्पीड देखते ही कितनी जाती है। 80 तो यार क्रॉस हो चुकी है, 90 पे ही यार अटक रही है, आगे जा ही नहीं रही, फुल थ्रॉटल दे रखा है गाइज मैंने जबकि। सो गाइज 90 से ऊपर जा नहीं रही आप देख सकते हैं। एंड टेस्ट ड्राइव रिव्यू उसका काफ़ी सही रहा, सो इसी व्लॉग को करता हूँ मैं ये पैंड, मिलते हैं जल्दी इसी नेक्स्ट व्लॉग में।